भारत और पाकिस्तान के बीच में T20 वर्ल्ड कप 2022 का पहला मुकाबला महामुकाबला जो बारिश की वजह से रद्द माना जा रहा था, लेकिन इस मुकाबले में टीम इंडिया के किंग कोहली ने शानदार प्रदर्शन के दम पर टीम इंडिया को इस मुकाबले में एक बहुत बड़ी जीत दिलाई है। अगर इस मुकाबले की बात की जाए तो फिर रोहित शर्मा ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर ध्वस्त हुआ और उसके बाद मिडिल ऑर्डर ने अच्छा खेला। हरदीप सिंह और हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी की तारीफ करनी होगी, लेकिन जी हां 159 रन बनाने में पाकिस्तान कामयाब हो पाया, जिसका पीछा करते हुए भारत का टॉप ऑर्डर ध्वस्त हुआ। लेकिन खड़े थे विराट कोहली, नामी का भी है, किंग कोहली क्यों कहा जाता है, पाकिस्तान को इन्होंने दिखा दिया। त्रेविन गेंद पर 82 रन की पारी और उसके साथ में हार्दिक पांड्या का बल्ला भी चलता नजर आया। कुल मिलाकर भारत को एक रोमांचक अंदाज में मुकाबले में जीत हासिल करी है, लेकिन उसके बाद जो विराट कोहली ने रिएक्शंस दिया है, इस जीत के बाद जो विराट कोहली ने कहा है उसे सुनकर आप विराट को सलाम करेंगे। विराट ने मैच के बाद क्या कहा, आइए आपको बताते हैं कैसे पाकिस्तान के खिलाफ प्लान बनाया, जीताया और फिर जो कहा वो आपको सलाम करने पर मजबूर कर देगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है टीम इंडिया के फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं ताकि क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो जी हम बात कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप 2022 के पहले मुकाबले की, जहां भारत ने बहुत बड़ी राइवलरी में अपने नाम कर ली है। T20 वर्ल्ड कप 2022 की सुपर 12 के अपने पहले ही मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 4 विकेट से हराकर इस टूर्नामेंट में जीत से आगाज किया है। इस जीत के हीरो टीम इंडिया के रन मशीन विराट कोहली रहे, जिन्होंने अकेले दम पर ही भारत को मैच में एक पार ले गए। पाकिस्तान के 159 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत के बल्लेबाज जब कुछ खास नहीं कर रहे थे उस वक्त विराट ने ही किया, लेकिन विराट ने मैच के बाद क्या कहा ये बताने से पहले आपको बता दें कि रोहित ने विराट को गले लगाया। तो जी हां, जब भारत को हारे हुए मुकाबले को विराट कोहली ने जिताया और विराट कोहली जब डगआउट की ओर जा रहे थे तब विराट कोहली के इस विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने जीत के बाद उन्हें गले से लगाते हुए दिखाई दी और गोद में उठा लिया। जी हां, कंधे पर उठा लिया और इस पर खास अंदाज में इन दोनों का वीडियो वायरल हो रहा है। लेकिन हम अब आपको बताएंगे खुद विराट कोहली ने मैच के बाद क्या कहा। विराट का बयान पूरा देखिएगा, खासकर विराट ने 53 गेंद पर जब 82 रन की पारी खेली तो शानदार बल्लेबाजी करते हुए भारत को हार के मुंह से बाहर निकाला। अपनी पारी के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, यह एक असली माहौल है, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, पता नहीं कैसे हुआ, मैं वास्तव में शब्दों के लिए खो गया हूँ, यानी मेरे पास शब्द नहीं है। हार्दिक को विश्वास था कि अगर हम अंत तक बने रहे तो हम ये कर सकते हैं। जब शाहीन ने पवेलियन छोर से गेंदबाजी की तभी हमने उसे नीचे लगाने का फैसला किया। हारिस उनके प्रमुख गेंदबाज हैं, मैंने वे 2 छक्के लगाए जिससे हमारी गणना सही हो गई। नवाज के पास गेंदबाजी के लिए एक ओवर था, इसलिए मैं अगर हारिस पर दबाव बनाता तो वो पैनिक कर जाते। 28 से 8 रन की दरकरार 16 से 6 तक आ गई, जहां 8 गेंद पर 28 रन चाहिए था वो 6 गेंद पर 16 रन तक आ गई और यहीं से मैच पलट गया। इसके साथ ही विराट ने पाकिस्तान के खिलाफ इस पारी को अपने कैरियर की बेस्ट पारी माना है। उन्होंने T20 विश्व कप 2016 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐतिहासिक रन चेज से भी बेहतर इस पारी को माना। विराट ने मैच के बाद कहा, मैंने अपनी प्रवृत्ति पर कायम रहने की कोशिश करी, पहला हाथ धीमी गेंद 1 ओवर लॉन्ग गेंद के पीछे था, यहाँ खड़े होकर मुझे ऐसा लग रहा था कि यह होना ही था। आज तक मोहाली ऑस्ट्रेलिया में मेरी पारी सर्वश्रेष्ठ रही, लेकिन आज तक की मेरी पारी सर्वश्रेष्ठ है। विराट कोहली ने जी हाँ मैच के बाद अपने लिए कोई शब्द नहीं बताया और अपनी टीम को पूरा का पूरा क्रेडिट दे डाला। उन्होंने कहा, ये मैं कर सकता हूँ और मैंने जो किया, लेकिन ये मेरे कैरियर की बेस्ट पारी है। खैर, विराट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।